गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडेज आवर टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व एनी टू ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स रिजॉल्विंग पावर क्या है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी क्वालिटी, ऐसी एबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेस पे वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है. जैसे कि हमारा कैमरा होता है मोबाइल का, हम उससे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पिक्सल्स का कैमरा लेने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उसका पिक्सल्स काफी ज्यादा है, काफी हाई क्वालिटी का कैमरा है, तो हम उससे किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितनी भी दूर का हो, उसको जब हम उसकी पिक्स क्लिक करते हैं तो उसको हम जूम करके एक पिक्सल्स उसके फटते नहीं है और क्लियरली उस इमेज को हम देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उस कैमरे की रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है. क्वेश्चन ये आता है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, कैसे पता चलेगा किसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी अच्छी है या उसकी लिमिट क्या है. तो रिजॉल्विंग पावर की लिमिट को लेकर रेली ने एक क्राइटेरिया दिया था कि क्या हम मानेंगे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स टोटली रिजॉल्व है. ठीक है, कोई उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हमें दिखाई कर देती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू फिंगर्स. ये दो फिंगर्स हमें क्यों दिखाई दे रही है, जब लाइट आती है इन दोनों फिंगर्स से टकराती है और टकराने के बाद हमारी आईज पे जिस एंगल पे मैक्सिमा फॉर्म करती है, उस एंगल पे, उस पोजीशन पे ये दोनों फिंगर्स हमें दिखाई दे रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमें दूर से लगता है कि कोई भी दो पहाड़ है, एक दिखाई देता है. जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो क्या होता है, वो दो की एक की जगह हमें दो दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी आईज की रिजॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, 6x6 की. 6x6 का विजन हम क्लियर देख सकते हैं, पर उससे दूर का होता है तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देने लगते हैं, हमें मर्ज दिखाई देने लगते हैं. ठीक है, तो वैसे ही रेले के अकॉर्डिंग हम किसी को रिजॉल्व कब कह सकते हैं, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो मैक्सिमा हमारी आईज पे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, उनका अगर एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा, मतलब दैट मींस एक ऑब्जेक्ट, सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, अगर एक का मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा के साथ और दूसरे का मैक्सिमा पहले की मिनिमा के साथ कॉन्साइड करता है, दिस इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्विंग कंडीशन. दैट मींस ये मिनिमम कंडीशन है. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इतने सेपरेट हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको रिजॉल्व मान सकते हैं. ठीक है, अगर इससे ज्यादा सेपरेट है लाइक दिस, तो ये तो रिजॉल्व है, दिस आर द टोटली रिजॉल्व. दिस इज द मिनिमम कंडीशन जहां से हम रिजॉल्व होना स्टार्ट होता है. अगर इस कंडीशन पे दो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं तो हम इसको रिजॉल्व मान सकते हैं. ठीक है, बट अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, क्या हो रहा है, दोनों आपको मर्ज होकर एक दिखाई दे रहे हैं, राइट, दिस इज द नॉट रिजॉल्व कंडीशन. दिस इज नॉट रिजॉल्व. इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, मर्ज मानेंगे. पर दिस इज द मिनिमम कंडीशन, यहां से हम रिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं. दिस इज टोटली रिजॉल्व कंडीशन. पर एक मिनिमम कंडीशन ये है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इतने सेपरेट हमें दिखाई देते हैं तो हम उसको रिजॉल्व मान सकते हैं. तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.